हेलो दोस्तों, फिर से आप लोग का स्वागत है मेरा इस न्यू ब्लॉग में। और ये देखिए पूरा किस तरह खा रहा है। मुझे ये बांस से बनाया था, इधर दिखाया था ना उस दिन के, वो बांस से कैसे खा रहे देखे, एक साथ बहुत खा सकते हैं। अभी जो उनका एज है, इस एज में ये लोग 30 मिलके खा रहे, एक में 30 मुर्गियाँ खा सकते हैं एक साथ। मैंने गिनती किया था उस दिन, एक साथ 30 मुर्गी खा सकते हैं। ज़्यादा फीडर लेने का ज़रूरत भी नहीं है, और पानी का ये मेरा एक ही है बस उधर। तो खा रहे कैसे ये देखिए, मतलब पूरा अच्छे से खा रहे है। उधर फ्लड आ गया था, तो फ्लड आने के बाद मैंने सोचा ये फार्म डुबा लेगा, तो फार्म डुबा नहीं डुबाया, लेकिन इतना तक पानी हो गया, समझ 2-4 इंची बस, नहीं तो डुबा लिया था। एक दिन पानी और बढ़ाता तो डुबा लेता, फिर तो पानी कम हो गया। तो ऐसे ही इसको बना कर रखा था, नीचे पानी आ जाएगा तो ये सब ऊपर आ जाएंगे, इसलिए ऐसा बना कर रखा था। उधर आधा घर में ये वाला साइड निचले हाफ में ऊपर, पानी आ जाएगा तो सब ऊपर उठ जाता था। तो ऐसा ही सोचो, पानी नहीं आया तो जान बच गया हमारा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाता। ये एक बार डूब जाता था, सूखने में बहुत दिन लग जाता, अभी डूब भी नहीं है ज़्यादा। और अभी देखिए ये कितना बड़ा हो चुका है, 2 महीना होने वाला है, 2-4 दिन बाकी है अभी उनका एज। ये देखो जो बड़ा है वो बहुत बड़ा हो गया, और ये 2 महीने का मीडियम साइज है, ये देखिए बड़ा साइज है उधर। तो मैंने खिलाया है अभी सुबह, जो दान का कूड़ा आता है ना इसमें रख दिया था अभी, और भूसी मिलाया, और जो चावल था वो चावल को भी मिला दिया उस पर। तो सुबह का खानी इसे दिया है, दोपहर को और कुछ देंगे, दाना देंगे थोड़ा, और फिर चावल का भूसी, चावल का कूड़ा और भूसी दे देंगे, फिर ऐसा ही देते हैं तो अच्छा है। ये पूरा डूबा हुआ था उधर, पूरा डूबा हुआ था ये जो मेरा साइट है, ये पूरा डूब गया था पानी में तकरीबन। हाँ, ये जो टीन लगा हुआ है, टीन का उतना ही पानी हो गया था, इतना ही पानी हो गया था, और इतना सा बाकी रह गया था। इतना सा उठ जाता तो मेरा घर में पानी घुस जाता, मेरा जान बची है। ये पानी कम हो गया, नहीं तो बहुत बुरा होने वाला था। अभी बस खाना देने आया था सुबह सुबह, तो बताया ये पानी तकरीबन 3 दिन बाहर है निकला है इधर से, 2 दिन हुआ है बस निकला है। तो ये देखिए मेरा बाहर भी नहीं छोड़ सकता था अभी, क्योंकि वो ज़्यादा कीचड़पन है अभी, वो लोग इधर बीमार हो सकते हैं अभी उधर छोड़ेंगे तो। ज़्यादा बारिश का पानी भी है बाहर, तो ऐसे ही रहना देता हूँ अभी। पूरा सूखने के बाद 2-3 दिन धूप निकलेगा तो सूख जाएगा, उसके बाद छोड़ सकते हैं अभी 2-1 दिन के। तो सुबह का खाना दे दिया, अभी तकरीबन 9 बज रहे हैं अभी, तो दोपहर का खाना दूंगा 2 बजे, 1 से 2 बजे का अंदर दोपहर का खाना दे दूंगा, और शाम का खाना तो 6 बजे के पास ही दे दूंगा। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताना, कि अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है।